मैं ना कभी कभी कच्ची मैगी भी खा लेती हूँ। चिली सॉस डालूंगी, चिली पाउडर डालूंगी, ग्रीन चिली डालूंगी, मतलब सारे जितने भी चिली मेरे घर में है सारे डालूंगी। मेरा पेट पेट नहीं है, ये कुआ है। मैं कुछ भी खा लेती हूँ, वो हजम हो ही जाता है। यार गलती कर दिया मैंने तो। ऐसे हंसो मत यार। तो आज 24 आवर्स के लिए मैं खाने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ मैगी। एंड मैंने मैगी को इसीलिए चूज़ किया क्योंकि आपको तो पता ही है मैं कुछ भी बनाती हूँ वो जहर ही बन जाता है, सिवाय मैगी के। मतलब मैगी बनाना ना मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं मैगी की काफ़ी सारे डिशेस रेसिपीज बना लेती हूँ, ठीक है, अच्छी तरह से। एंड मेरे घर में सबको पसंद है वो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो आज मैं खाने वाली हूँ मैगी पूरा दिन, एंड वो भी डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज दिखाने वाली हूँ आपको, एंड मैं भी खाने वाली हूँ, एंजॉय करने वाली हूँ। एंड गाइस मैगी को इसलिए भी चूज किया क्योंकि अभी घर से बाहर हम जा नहीं सकते, एंड मेरे घर में ना काफी सारा मैगी पहले से रखा हुआ है, तो इसीलिए मैंने मैगी को चूज किया ताकि घर में बैठ के एक अच्छा खासा चैलेंज भी हो जाए, साथ में वो यम्मी भी रहे। तो या चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैलेंज, एंड इस चैलेंज में सारा खाना मैं बनाऊंगी, मैं। तो देखते हैं जहर बन जाता है या फिर अमृत। तो गाइस वीडियो को चालू तो करेंगे, बट उससे पहले एक बात बताओ, आपको पागल तो नहीं समझोगे? मैं ना कभी कभी कच्ची मैगी भी खा लेती हूँ, अच्छा लगता है मुझे यार। आपने कभी खाया है क्या? खाया है क्या? अगर खाया है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ठीक है, बताना ही पड़ेगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी आपको। कच्चा मैगी बाद में खाऊंगी यार, मुझे बहुत भूख लग गया है। मैं अभी जाती हूँ मैगी बना के ले आती हूँ, एंड सुबह हम लोग खाने वाले हैं बिल्कुल ही सिंपल वाला मैगी जो सिर्फ बॉयल करके हो जाता है, मसाला डाल के बॉयल करके हो जाता है, वो सिंपल वाला मैगी खाऊंगी क्योंकि अभी भूख ज़्यादा लग गया है एंड ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, नहीं तो पेट से मेरे चूहे बाहर आ जाएंगे। तो इसीलिए जल्दी से मैगी बना लेते हैं एंड मैगी खा लेते हैं। तो चलो बना लेते हैं। ये रहा मेरा दिन का पहला मैगी, एंड मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है तो मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, एंड मुंह में पानी आ रहा है तो बात भी नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। तो यार खा लेते जल्दी जल्दी, देखते कैसा बना है। पहले मैंने बनाया है, मैंने, मेरा फर्स्ट रेसिपी है, तो खाते हैं। पता था अच्छा बनेगा, अच्छा ही बना है। कितना बड़ा मैगी, कितना लंबा वाला मैगी आया है हाथ में यार। देखते हैं एक बार मैं खा पाती हूँ या नहीं। छोटी थी ना तब जब मैं मैगी खाती थी ये मसाला भी नहीं लगता था मुझे, मैं सिर्फ सॉल्ट लगा के बॉइल्ड मैगी खा लेती थी। ट्राई करना कभी, अच्छा ही लगेगा। तो यहाँ ब्रेकफास्ट हो गया है हमारा, तो यहाँ गाइस लंच में मिलते हैं, एंड लंच में कुछ डिफरेंट बनाएंगे, ठीक है, तो लंच में मिलते हैं। प्लेट बिल्कुल साफ कर दिया यार, चमक रहा है प्लेट मेरा। सो गाइस आई नो कि आप
यही सोच रहे होंगे कि मैं इतना सज धज के घर में क्यों बैठी हुई हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? बट मैं आपको बता दूं, मैं इंस्टाग्राम के लिए ये वाला मेकअप लुक शूट कर रही थी एंड यार शूट करते करते मुझे इतना भूख लग गया कि मैं आपको क्या बताऊं। तो मुझे अभी बनाना है लंच क्योंकि मेरे से और रुका नहीं जा रहा है एंड ऑलरेडी 2 बज गया है, तो सोचो यार बहुत भूख लग जाता है। एंड अभी ना मैं मैगी नहीं बनाने वाली हूँ, मैं मैगी का छोटा भाई यिप्पी बनाने वाली हूँ, ठीक है? एंड मैं यिप्पी इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे ना वेज मैगी खाने का बहुत मन है। मतलब ये वाला मैगी में कैरेट्स, गाजर, बीन ये सब डलता है। कैरेट ही तो गाजर है यार। एंड गाइज, यिप्पी का जो मसाला होता है उसके अंदर गाजर बीन्स पहले से डला हुआ होता है। आई डोंट नो वो लोग कैसे डालते हैं, वो रॉकेट साइंस मेरे दिमाग के ऊपर से जाता है। बट यिप्पी के अंदर सही में बाय गॉड कैरेट और बीन्स होता है एंड वो दिखता भी है। मैं आपको दिखाऊंगी बनाते बनाते, ठीक है? पक्का प्रॉमिस। एंड मैं बहुत बड़ी कामचोर हूँ गाइस, मैं बहुत बड़ी कामचोर हूँ, इसलिए मुझे अलग से सब कुछ कट करके नहीं करना था। तो ठीक है गाइस, चलो बनाते हैं। बहुत ज़ोर की भूख लग गई है, मैं कैसा हिंदी बोल रही हूँ यार, बहुत ज़ोर की भूख लग गई है। एंड मुझे भूख लगता है ना, मुझे मैं बात नहीं कर पाती हूँ, तो चलो जल्दी से बनाते हैं एंड फटाफट लेके आ जाती हूँ एंड खाना खाऊंगी, बहुत भूख लगी है। अभी हम लोग फाइनली खाने वाले हैं हमारा लंच, जो कि है वेज वाला यिप्पी। एंड मैंने दिखाया ना आपको, इसके अंदर गाजर भी है, बीन्स भी है एंड मैंने तो अलग से प्याज और टोमेटो केचप डाला था। इसका स्मेल से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इतना अच्छा स्मेल कर रहा है। मैं आपको, काश मैं आपको स्मेल करा पाती एंड खिला भी पाती यार, ये वाला बाइट स्पेशली आपके लिए। बट आई नो कि आप नहीं खा सकते हो, तो मैं ही खा लेती हूँ, बहुत ज्यादा भूख लग गया है मुझे। यम्मी। बहुत यम्मी लग रहा यार, मैं कितना अच्छा खाना बना देती हूँ यार, मुझे तो कुकिंग चैनल स्टार्ट करना ही चाहिए। किसने बोला मैं जहर बनाती हूँ? मैं बिल्कुल जहर नहीं बनाती हूँ, बहुत अच्छा खाना है यार, सही में बोल रही हूँ। मैगी के साथ मैंने मेरे मैगी जैसे बाल भी खा लिए। मैं जब खाना खाने बैठती हूँ तब कैसे भी करके बैठती हूँ, मतलब कुछ ठीक नहीं रहता है मैं कैसे बैठती हूँ, तो प्लीज जज मत करना। एंड यार ये वाला पोज देख के ना मुझे वो अनुष्का शर्मा की वो मीम याद आ गई यार, मैं बिल्कुल वैसी नहीं लग रही हूँ। दिखाती हूँ मैं बिल्कुल अनुष्का जैसी नहीं लग रही हूँ, ऐसे हंसो मत यार। आई होप कि हजम हो जाएगा यार, मेरा पेट नहीं है, ये कुआ है, मैं कुछ भी खा लेती हूँ वो हजम हो ही जाता है। तो ये तो छोटा सा एक यिप्पी है, 2 यिप्पी है बाय द वे, तो हजम क्यों नहीं होगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं।
गया है, मतलब थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था 5 बज गए थे एंड मुझे काफी ज्यादा भूख लगा है यार। बट गाइज, बट मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाने वाली हूँ इस वीडियो में, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था जब मैंने वो स्पाइसी कोरियन नूडल चैलेंज किया था, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था, आपने वो बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। तो इसीलिए अभी शाम को मैं बनाने वाली हूँ चिली मैगी, जहाँ पे मैं बहुत सारा चिली डालूंगी, चिली सॉस डालूंगी, चिली पाउडर डालूंगी, ग्रीन चिली डालूंगी, मतलब सारे जितने भी चिली मेरे घर में है सारे डालूंगी, ठीक है। एंड मिनिमम मैं 5 ग्रीन चिली डालने वाली हूँ, नहीं 6 ग्रीन चिली डालने वाली हूँ, ठीक है, वो भी बहुत अच्छे अच्छे तगड़े वाले ग्रीन चिली। तो आई होप कि बहुत मजा आएगा। तो चलो यार बना लेते हैं ग्रीन चिली वाला मैगी। ग्रीन चिली नहीं यार, ग्रीन चिली, रेड चिली, रेड चिली सॉस, रेड चिली पाउडर, जो भी चिली वाला है घर में, सब कुछ मिला के मैगी बना लूंगी। तो चलो बनाते हैं जल्दी से। ये रहा हमारा चिली मैगी, जो कि बिल्कुल रेड रेड दिख रहा है, आप देख सकते हो पूरा लाल हो रखा है। एंड मैंने काफी सारा चिली सॉस डाला है, काफी सारा चिली पाउडर डाला है, एंड आपने देखा है मैंने 6 ग्रीन चिली डाले हैं इसके ऊपर। मुझे तो सोच के डर लग रहा है यार, मैं कैसे खाऊंगी, मतलब मुंह में पानी भी आ रहा है और डर भी लग रहा है कि कैसे खाऊंगी इसको, पानी प्लस डर दोनों एक साथ। बट आई होप कि मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने वो कोरियन नूडल चैलेंज तो किया हुआ है, तो ये भी आई होप आई गेस कि मैं कर पाऊंगी, क्योंकि उससे ज़्यादा तीखा तो नहीं हो सकता है जिंदगी में कुछ भी। तो यार प्रे फॉर मी, ठीक है। तीखा सही में है, बहुत तीखा है, बट अच्छा भी लगा यार मुझे तो, मतलब मन भी हो रहा है खाने का और उल्टा मन हो भी नहीं रहा है, दोनों मिक्स फीलिंग है, ठीक है। बट टेस्टी बहुत ज्यादा बना है, बहुत टेस्टी बना है, बहुत यम्मी। क्या आप देख सकते हो ग्रीन चिली, देखा क्या आपने ग्रीन चिली, तो इसी को खाने वाली हूं मैं, ऐसे दो दो ग्रीन चिलीज है यार। बहुत तीखा है, माय गॉड। यार गलती कर दिया मैंने तो, ये वाला मैगी खा के सही में गलती कर दिया मैंने, बहुत तीखा है, सही में बहुत गलती कर दिया यार, थोड़ा सा ही बचा हुआ है बट मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी, बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी। खत्म हो गया गाइस, बस 1 2 3 4 बस 4 चिली है, ग्रीन चिली के टुकड़े, जो कि मेरे से नहीं खाया गया।
बाप रे, मुझे इंस्टाग्राम में लाइव जाना है अभी। आई डोंट नो मैं ऐसे कैसे लाइव जाऊंगी यार। ठीक है गाइस, रात को मिलते हैं आपसे, थोड़ा सा मैं ठीक हो जाऊँ फिर इंस्टाग्राम में लाइव चली जाऊंगी, आपसे ही बात करूंगी लाइव में। तो रात को मिलते हैं, हाँ एक बार रात को मिलते हैं। भूख नहीं लगा है पता है, पर अगर मैं अभी नहीं खाऊंगी ना तो मुझे एकदम देर रात में भूख लग जाएगा, आधी रात में, 2 बजे 1 बजे। एंड ये मेरा आदत है कि मुझे आधी रात को भूख लगता है एंड मैं तब भी मैगी बना के खाती हूँ। तो अभी डिनर में मैं मेरी फेवरेट मैगी खाने वाली हूँ, स्पाइसी फ्राइड मैगी, जो कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं है बट बहुत ही यम्मी है। मेरा फ्राइड मैगी जो कि थोड़ा सा चाइनीज टाइप का लगता है। इस मैगी को खाके ना मुझे सही में मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको एक चुम्मा दे दूं, इतना अच्छा बना है। मुझे सही में भी लगता है ना मुझे एक कुकिंग चैनल भी खोल देना चाहिए। एंड क्या आप चाहते हो कि मैं एक दिन 24 आवर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ स्पाइसी मैगी खाऊं? वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड हाँ गाइज, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक तो जरूर कर दो यार, इतना स्पाइसी मैगी मैंने खाया तो प्लीज यार लाइक कर दो। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो अगर मुझसे बातें करना चाहते हो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।